नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है L6599A। यहाँ ए डी होता है या ए आई सी, जो कि एक 16 पिन की आईसी होती है और इसका मोस्टली यूज सप्लाई सेक्शन के अंदर ही किया जाता है। जहाँ पे भी पावर सेक्शन बना हुआ है उस जगह पे इस आईसी का प्रयोग किया जाता है। तो ये बेसिकली जैसे आपकी पावर सप्लाई सेक्शन है या टेलीकॉम सिस्टम है और LCD है, उसके अंदर इस आईसी का प्रयोग किया जाता है और स्विचिंग सेक्शन के अंदर प्रयोग किया जाता है। तो ये डबल स्विचिंग आईसी होती है। तो इसके अंदर 16 पिन है, वो किस तरह काम करती है, सबसे पहले पिन डिटेल हमें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ये YouTube वगैरह पे या इंटरनेट पे बहुत ही कम आपको दिखाई देगी आईसी, क्योंकि ये आईसी अभी ही शुरू हुई है, क्योंकि जो हमारे लिथियम चार्जर वगैरह है उनके अंदर भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो अभी धीरे धीरे इसका यूज बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है इस आईसी की। तो ये मोस्टली आईसी 16 पिन की होती है और ये हाई यानी करंट को पास आउट करने के लिए बनाई गई है, और जैसे हमारी SG3525 आईसी होती है उसी तरह से ये स्विचिंग करके आउटपुट देती है हाई लेवल के लिए विद सिक्योरिटी सिस्टम। इसके अंदर प्रोटेक्शन सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही अच्छा बनाता है, जिससे आउटपुट के अंदर आपका कोई शॉर्टिंग नहीं होता या ओवर वोल्ट नहीं होते। तो इसके अंदर कौन कौन सी पिनें क्या क्या काम करते हैं उसके बारे में आज थोड़ा सा करेंगे। टोटल इसकी 16 पिन है आईसी की, और पिन नंबर एक है CSS यानी CSS की पिन होती है। इसके बारे में डिटेल से आगे मैं आपको इंटरनल डायग्राम करा दूंगा, पहले मैं पिन डिटेल करवा देता हूं आपको। ये CSS की पिन होती है, पिन नंबर एक। पिन नंबर दो डिले टाइम की पिन होती है। पिन नंबर 3 CF की पिन है। पिन नंबर 4 RF मिनी पिन होती है, और पिन नंबर 5 जो स्टैंड बाई पिन है। पिन नंबर 6 आई सेंस की पिन है। पिन नंबर 7 लाइन की है। पिन नंबर 8 डिस्चार्ज की पिन है। पिन नंबर 9 PCC अप स्टॉप की पिन होती है, और पिन नंबर 10 ग्राउंड है। पिन नंबर 11 LVG ये भी आउटपुट की पिन होती है, और पिन नंबर 12 BCC की पिन है। पिन नंबर 13 NC, इसको यूज नहीं किया जाता सर्किट के अंदर, और पिन नंबर जो 14 ये भी आउटपुट की है, और पिन नंबर 15 जो HVG की पिन है, ये एक LVG है, ये HVG है, ये भी आउटपुट पिन है हमारी, और एक होता है V-बूट की पिन, पिन नंबर 16 जो होती है। तो इस तरह ये पिन है। इनके पिन के नाम क्या है, इसकी पिन जो एक नंबर है या इसकी कोई भी पिन है वो किस तरह काम करती है, क्या है इसका मतलब है, किस तरह ये काम करेगी, इसके बारे में आज हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका एक ब्लॉक डायग्राम आपको दिखा देता हूँ, ये इंटरनल तौर पर किस तरह ऐसी बनी होती है, कैसे काम करेगी। ये जो हमारे पास ब्लॉक डायग्राम है 6599 ADIC जो होती है, L यानी L6599 ADIC, उसका ब्लॉक डायग्राम है। जो मैंने ये पिन डिटेल बताई है किस तरह है, ये CCS की पिन क्या होती है, ARM की होती है, CF, ये किस तरह काम करती है, कैसे काम करती है, इसके बारे में आज करेंगे। तो बेसिकली जो आईसी है ये, तो इसके अंदर सेक्शन बहुत ही टिपिकल सेक्शन बना हुआ है। थोड़ा सा इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये किस तरह काम करती है, कौन कौन से वोल्ट होते हैं, कैसे काम करती है। तो इसकी जो पिन नंबर एक है, जो मैंने अभी पता किया हूँ मैं, CSS की पिन। CSS यानी SS मतलब सॉफ्ट स्टार्ट की पिन है ये। C मीन्स ये कैपेसिटर के साथ जुड़ी होती है, C कैपेसिटर जो ये लगा हुआ है, और CSS जो है सॉफ्ट स्टार्ट की पिन है। ये सॉफ्ट स्टार्ट क्यों किया गया है, क्योंकि इसके अंदर जो इंटरनल एक MOSFET लगा हुआ है, ये जब ये MOSFET वर्किंग करता है, अगर किसी दौरान कोई वोल्ट अप या डाउन होते हैं या रीसेट बार बार करना पड़ता है सिस्टम को, तो उसके लिए इस कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है, और इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए ये रजिस्टर लगाई जाती है, जो RF मिनी जो होती है, पिन नंबर 4 उसके साथ जुड़ी होती है। जैसे ही हमारे ऑटो कपलर से आउटपुट मिलेगा, जैसे ही आउटपुट दे रही है, अब आउटपुट इसको फीडबैक मिलेगा, जैसे ही कोई इसके अंदर वोल्ट कम हो रहे हैं या कोई वोल्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये ऑन होकर यहाँ से मीटर टू कलेक्टर इनएक्टिव कर देगी, और इस रजिस्टर के द्वारा इस रजिस्टर पे भी वो वोल्ट जाएंगे, जिससे ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज होने के बाद फिर रीसेट हो जाएगा ये पूरा सिस्टम, और दूसरी बार से फिर स्टार्ट करेगा। तो इसलिए CSS की पिन का यूज़ किया जाता है। इसके अंदर जब ये स्टार्ट वोल्ट होते हैं तो इसके ऊपर 0.8 वोल्ट रहते हैं, और जैसे ही ये फ्लैक्चुएशन करता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है, तो इसके ऊपर 1.75 वोल्ट आते हैं।
ठीक है जी, पिन नंबर एक के ऊपर। और पिन नंबर जो दो है हमारी, वो डिले टाइम की पिन होती है, जो लॉजिक कंट्रोलर सिस्टम होता है, ये जो मेन सिस्टम है इसका ब्रेन है, वो लॉजिक सिस्टम कंट्रोल होता है, यही पूरे सेक्शन को कंट्रोल आउट करता है और सिग्नल आउट देता है। तो इसके साथ पिन नंबर दो को जोड़ा जाता है, पिन नंबर दो के साथ एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर लगाया जाता है डिले टाइम के लिए। अगर आपके आउटपुट में ओवरवोल्ट हो जाते हैं, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो उससे ये कैपेसिटर डिस्चार्ज, ये रजिस्टर इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करके इसको रीसेट कर देती है। रीसेट करने के बाद फिर से सिस्टम दूसरी बार स्टार्ट होता है, ठीक है जी। तो इसके ऊपर जो रीसेट, अगर रीसेट वोल्ट आते हैं, वैसे तो इसके ऊपर 0.2-7.5 वोल्ट रहते हैं। अब जैसे ही इसके ऊपर रीसेट वोल्ट आते हैं, तो ये 1.5-2 वोल्ट हो जाते हैं, 1.5-2 वोल्ट के करीब इस पिन पे हो जाते हैं, जिससे ये पूरा सिस्टम रीसेट हो जाता है और फिर से दूसरी बार ये स्टार्ट होता है। तो अब आ जाती है पिन नंबर जो हमारी है 3, ये CF की पिन है। CF मैंने कैपेसिटर फ्रिक्वेंसी की पिन होती है। ये जो कैपेसिटर फ्रिक्वेंसी होती है, ये होती है हमारी लॉजिक कार्ड के लिए ओसिलेटर का काम करती है, यानी ओसिलेटर को किस सिग्नल तक पहुंचाना है, कैसे काम करवाना है, कितने कितने वोल्ट इसको एडजस्ट करना है, तो वो CF पिन डिसाइड करती है। CF पिन के ऊपर एक कैपेसिटर लगाया जाता है, यानी कैपेसिटर फ्रिक्वेंसी पिन होती है ये। और इसके ऊपर लगभग मान के चलिए आपके जो वोल्टेज आते हैं, और ये आपके जहाँ पे जब ये डिस्चार्ज करता तो 0 वोल्ट, अदरवाइज इसके ऊपर 0.8 वोल्ट रहते हैं, ठीक है जी। और ये इंटरनल जो हमारी आर एफ मिनी पिन होती है, उसके साथ जुड़ी रहती है, क्योंकि उसके ऊपर गेट बना जो फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है, उसके साथ जुड़ी होती है ये भी, और प्लस कंट्रोलर के साथ। अगर कोई भी दिक्कत आ जाए आपके स्विचिंग के अंदर, ये स्विचिंग के लिए बेसिकली इसको यूज किया जाता है, अगर इस स्विचिंग सेक्शन के अंदर प्रॉब्लम आ जाए तो ये इसको कट ऑफ कर देता है। तो ये एक तो लॉजिक जो हमारा कंट्रोलर उसके साथ जुड़ता है, प्लस ये जो आर एफ इंटरनल तौर पर जो आर एफ जो हमारा मिनी मीन्स है पिन नंबर 4 के साथ इंटरनल तौर पर जुड़ा होता है, ठीक है जी। तो इस तरह ये इसको कंट्रोल करता है, जो पिन नंबर 4 पे मॉस्फेट लगा होता है। और उसके बाद पिन नंबर जो हमारी है 5, ये है STB, यानी स्टैंड बाई की पिन है, यानी शट डाउन की पिन भी इसे बोल सकते हैं। तो इस पिन के ऊपर जो वोल्ट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पिन नंबर जो 4, इसके ऊपर हमारे लगभग 2 वोल्ट होते हैं पिन नंबर 4 के ऊपर। और ये पिन काम क्या करते हैं, इस पिन का मेन काम है जो हमारी स्विचिंग होती है या ओवर करंट होता है, जैसे करंट बढ़ गया है, जो आउटपुट के अंदर जो करंट दे रहा है वो अगर बढ़ गया, कोई दिक्कत आ गई उसके अंदर, तो उस करंट को कंट्रोल करने के लिए आर एफ मिनी पिन नंबर 4 का प्रयोग किया जाता है। इसके ऊपर एक तो लगा होता है ये रजिस्टर, ग्राउंड की जाती है, अगर कोई भी आउटपुट में शॉर्टिंग हुई है तो वोल्ट इस पे बढ़ जाते हैं, और बढ़ जाते हैं 2 से ज़्यादा। जब भी 2 से ज़्यादा वोल्ट बढ़ेंगे तो नेगेटिव, इसके जो गेट लगा इस पे नेगेटिव वोल्ट ज़्यादा हो जाएंगे, यानी वैल्यू बढ़ जाएगी। गेट का आपको रूल पता ही है कि जिस पिन पे वोल्ट ज़्यादा होंगे वही आउटपुट देगा। जैसे ही वोल्ट ओवर हो जाएंगे, नेगेटिव वोल्ट और बढ़ जाएंगे, 2 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये गेट को ऑफ कर देगा। और ऑफ करने के बाद हमारा कंट्रोलर सेक्शन जो है, यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी जनरेट कर रहा है ये मॉस्फेट जो लगा, ये ऑफ हो जाता है, जिससे हमारा शॉर्टिंग सर्किट होने से बच जाता है। और ये जब भी जैसे डिस्चार्ज होगा दूसरी बार, तो फिर से ये दूसरी बार स्विचिंग करेगा और फिर ही पिन नंबर चार पे दो वोल्ट आएंगे। तो ये है पिन नंबर 4 जो हमारी की है, पूरे करंट को रीसेट करती रहती है बार बार, जो हमारे आउटपुट सिस्टम लगा हुआ है। तो पिन नंबर उसके बाद आ जाती है पिन नंबर 5, जो हम बता रहे हैं स्टैंड बाई की पिन है। तो पिन नंबर पाँच का मेन काम क्या है, मेन काम पिन का है, इसको बूस्ट मोड ऑपरेशनल बोल सकते हैं हम। ये इस पिन को लगभग मान के चलिए कि जो इंसेंस वोल्ट होते हैं, इंसेंस पिन है जो हमारी, इसके जो वोल्ट होते हैं इस पे इंटरनल तौर पे आते हैं, तो वो किस तरह काम कर रहे हैं, कैसे काम रहे हैं, कितने वोल्ट है। तो इस पिन के ऊपर 1.25 वोल्ट होते हैं। जैसे ही हमारा फीडबैक ये स्विचिंग देती रहती है, आउटपुट के अंदर जो स्विचिंग चल रही है, वो जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है इसके ऊपर फीडबैक सिग्नल मिलता है। फीडबैक सिग्नल जो हमारा एक ऑटो कपलर आईसी लगी होती है इसके साथ, पिन नंबर जो है डायरेक्टली 5 नंबर इसके साथ है। अगर उसको फीडबैक ओवरलोड का मिला है
तो ये ऑटोमेटिकली इस आईसी को वोल्ट और कम कर देती है। जैसे ये माइनस वोल्ट जाएंगे इसके पिन एक डेढ़ वोल्ट से और कम हो जाएंगे, जैसे एक वोल्ट या 0.5 वोल्ट या 0.8 वोल्ट रह जाएंगे। तो जैसे वोल्ट रहेंगे तो ये आउटपुट हमारा ऑफ करवा देगा, और जैसे ही आउटपुट के अंदर लोड बढ़ जाता है तो यहाँ पे उसी हिसाब से सिग्नल दिया जाता है जिससे ये लोड को और बढ़ा देता है। जब भी ये लोड बढ़ेगा तो ये सिग्नल आएगा डायरेक्टली, हमारा लॉजिक कंट्रोल सिस्टम है क्योंकि ये भी लॉजिक कार्ड सिस्टम लॉजिक कंट्रोल सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, और उसी हिसाब से वे लॉजिक कार्ड सिस्टम है जो इस स्विचिंग को बढ़ा देता है। जैसे लोड बढ़ेगा तो लोड बढ़ा देगा, अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो फीडबैक के द्वारा इस ऑटो कपलर पे आएगी, ऑटो कपलर पे आने के बाद ये हमारा स्टैंड बाय सेक्शन को मिलेगा जिससे ये पूरा सिस्टम ऑफ हो जाएगा। तो ये थी पिन नंबर 5। इसको ऑन रखने के लिए 1 से 24 वोल्ट चाहिए, और इसको ऑफ करने के लिए इसे अगर 1.24 वोल्ट से कम हो जाएंगे तो ये आउटपुट देना बंद कर देगा इसी। तो ये थी हमारी STBY पिन यानी स्टैंड बाय पिन। और पिन नंबर छः है आई सेंस की पिन, ये रही हमारी साइड। तो पिन नंबर 6 के बारे में मैं थोड़ा सा आपको करवा देता हूँ। तो आई सेंस पिन जो है, आई सेंस पिन ये एक गेट की इनपुट है, इसके ऊपर जब तक 0.8 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट नहीं आएंगे तब तक ये सिस्टम स्टार्ट रहेगा, काम करता रहेगा। आई सेंस मीन ये इनपुट करंट सेंस की पिन है, यानी जो करंट हमारा आउटपुट हो रहा है उसको बार बार चलाते रहने के लिए इस पिन का प्रयोग करते हैं, यानी पिन नंबर 6 का। तो अगर इस पिन के ऊपर 0.8 वोल्ट रहें तो ये स्टार्ट रहेगा, जब भी 0.8 वोल्ट से ऊपर वोल्ट चला जाएगा, यानी 0.8 वोल्ट रहते हैं, अगर इससे ऊपर हो जाता है अप मान के चलिए 1 वोल्ट हो गया, 2 वोल्ट हो गया, ठीक है, अगर 1 वोल्ट हो जाता है तो ये सिस्टम जो लॉजिक कार्ड के साथ लॉजिक कंट्रोलर जो है हमारा लॉजिक उसके साथ जुड़ा होता है, जैसे वोल्ट आई सेंस के अंदर बढ़ते हैं तो मीन्स कोई वोल्टेज अंदर फ्लक्चुएशन आई है स्विचिंग के अंदर, तो उसके बाद ये मिलते हैं लॉजिक कंट्रोलर को। लॉजिक कंट्रोलर जैसे ही वोल्ट को सेंस करता है ओवर वोल्ट को, वैसे ही उस वोल्ट सिस्टम को कम करना या शुरू कर देता है, डिले टाइम को कम या ज़्यादा करना शुरू कर देता है जिससे वो लोड ऑपरेट होता रहे। तो ये होती है हमारी आई सेंस की पिन। नॉर्मली इस पिन के ऊपर जो वोल्ट होते हैं वो 0.8 वोल्ट होते हैं, अगर इससे ज़्यादा आएंगे तभी ये सेंसर सिस्टम जो हमारा काम करेगा, अदरवाइज ये रेगुलर चलता रहेगा, ठीक है जी। तो ये है पिन नंबर 6 आई सेंस यानी करंट सेंस की पिन है, पिन नंबर 6। और जो हमारी पिन नंबर 7 है, पिन नंबर 7 है ये लाइन की पिन है, ये रही हमारी पिन नंबर 7 जो है लाइन की है। तो लाइन मीन्स क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो लाइन सेंस मीन्स जो हमारे हाई वोल्ट होते हैं वो इसके ऊपर इनपुट वोल्ट दिए जाते हैं पिन नंबर 7 के ऊपर, बेसिकली इसके ऊपर पिन 1.24 वोल्ट से ऊपर चले जाएं जब, तो ये गेट ऑन होकर हमारे लाइन सिस्टम को सिग्नल देता है कि लाइन के अंदर कोई प्रॉब्लम है या ओवर वोल्ट आ गए हैं, तो उसे ये लॉजिक सिस्टम ऑफ हो जाता है और पूरा सर्किट बंद कर देता है। जैसे ही 1.5 वोल्ट से कम रहेंगे तभी ये लॉजिक सिस्टम काम करता रहेगा, यानी लाइन ओके का हमें मैसेज देगा तो ओके काम करता रहेगा। जब भी इसके ऊपर बढ़ेंगे वोल्ट बढ़ जाएंगे इस इनपुट के ऊपर तो ये हमारा आउटपुट बंद कर देगा पूरा का पूरा। तो इसके ऊपर बेसिकली 1.24 वोल्ट होने चाहिए, अगर इससे ज़्यादा हो जाएंगे तो ये आपका सिस्टम ऑफ रहेगा, अगर इसको स्टार्ट करना है तो इससे वोल्ट आपको कम रखने पड़ेंगे तभी ये स्टार्ट होगा। तो ये लाइन सेंस की पिन, जो हमारी इनपुट लाइन सिस्टम है उसको ये एडजस्ट करता है, यानी उसको सेंस करता है कि वोल्ट कहीं कम और ज़्यादा तो नहीं हो जो इसके ऊपर इनपुट वोल्ट दिए गए। तो ये थी हमारी लाइन इनपुट की पिन, और पिन नंबर 7 होती है। और पिन नंबर जो हमारी 8 है वो है डिस्चार्जिंग की पिन, ये पिन नंबर 8 डिस्चार्जिंग की, और यहाँ डिसेबल भी बोल सकते हैं डिस्चार्जिंग, इसके ऊपर भी ये गेट लगा होता है। और जो इसके ऊपर वोल्टेज होते हैं वो होते हैं जी 1.85 वोल्ट होते हैं, अगर इस वोल्ट से ज़्यादा हो जाएंगे तभी ये गेट आउटपुट हाई करेगा, हाई करने के बाद ये लॉजिक सिस्टम के साथ, ये भी लॉजिक सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, लॉजिक कंट्रोलर के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस पे जब हाई वोल्ट आ जाएंगे तो आउटपुट फिर भी आपका ऑफ कर देगा। वो किस कंडीशन में ऑफ करेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जब VCC वोल्ट, जब VCC के ऊपर जैसे वोल्ट ओवर हो जाएंगे बढ़ जाएंगे, जैसे मान के चलिए इसके ऊपर हमने 12 से लेकर 30 वोल्ट तक की सप्लाई, अगर इससे ओवर हो जाती है तो
तो ये पिन इसी के साथ भी जुड़ी होती है, तो जिससे ये डिस्चार्जिंग वोल्ट वोल्ट मिलते हैं इस पिन को, पिन नंबर जो है गेट की 8 नंबर है। जैसे ही 1.85 वोल्ट से ज्यादा वोल्ट मिलेंगे तभी ये पूरी आईसी को ऑफ कर देगा, जिससे ये आईसी ओवरहीट नहीं होगी और आपकी आईसी बर्न नहीं होगी। तो इस डिस्चार्जिंग पिन का ओवर वोल्टिंग के लिए यानी आईसी को बचाने के लिए, ओवर वोल्ट देने के लिए इस आईसी को यूज किया जाता है, जो कि लॉजिक सिस्टम के साथ ये डायरेक्टली जुड़ी होती है। और जो हमारी पिन नंबर 9 है, ये पिन नंबर 9, ये पीएफसी स्टॉप पिन है। तो पीएफसी स्टॉप पिन क्यों कहा जाता है, इसका मीन्स क्या है, ये भी आज हम डिटेल से कर लेते हैं। तो अब पिन नंबर जो हमारी 9 है पीएफसी स्टॉप पिन है, इसका मतलब ये है कि जब तक आई सेंस वोल्ट यानी आई सेंस की पिन और डिस्चार्ज और डिस्चार्ज पिन और स्टैंड बाई पिन, जब तक तीनों सिग्नल पर वोल्ट सामान्य है, यानी आई सेंस पिन के ऊपर 1.5 वोल्ट और लाइन के ऊपर 6 वोल्ट और स्टैंड बाई के ऊपर 1.24 वोल्ट यानी 1.24 वोल्ट और डिस्चार्जिंग पिन पे 1.8 वोल्ट है, जब तक है तो इस पिन के ऊपर जो है वोल्ट नॉर्मल ये पास आउट करता रहेगा। अब जैसे ही इसके अंदर कोई भी वोल्ट कम ज़्यादा हो जाता है, किसी के अंदर कोई दिक्कत आ जाती है, कोई शॉर्ट सर्किट कोई भी हो जाता है, तो ये पीएफसी स्टॉप पिन काम करती है, जिससे सिग्नल आपका आउटपुट देना बंद कर देता है, यानी आपका करंट जीरो कर देगा ये, ठीक है जी। जिसके साथ क्या होता है, जो ये हमारा वोल्ट सिग्नल था जिसे हाई और लो वोल्ट एचवीजी और एलवीजी काम करता है, तो इसका आउटपुट बंद होने के बाद आउटपुट आपका बंद हो जाएगा, अगर इन तीन पिनों में से किसी के अंदर दिक्कत आ जाती है या ओवर वोल्ट हो जाते हैं, जैसे आई सेंस पिन होगी, डिस्चार्जिंग होगी और स्टैंड बाई पिन है, ठीक है जी, तभी ये सिस्टम जो है पीएफसी स्टॉप काम करता है, अदरवाइज ये ओपन रहता है, इसके अंदर कोई जरूरत नहीं होती और किसी चीज़ की लगाने की। तो ये होती है हमारी ओवर किसी के अंदर अगर फ्लैक्चुएशन होती है, जो 3 सेक्शन है उसके अंदर कोई भी दिक्कत होने के बाद यही पिन नंबर 9 काम करती है, जिससे हमारा ये आउटपुट बंद करवाती है। तो इसके ऊपर बेसिकली जो वोल्ट होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये जो जैसे ये वोल्ट काम करता है तो इसके ऊपर 0.3 वोल्ट रहते हैं, ठीक है जी, ये आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। तो ये है हमारी स्टॉप की पिन, जो कि पिन नंबर 9 है। और पिन नंबर जो 10 है हमारी, वो होती है GND यानी ग्राउंड है। तो पिन नंबर 10 को ग्राउंड किया जाता है, ग्राउंड करने के साथ जो हमारा मॉस्फेट होता है उसके साथ भी इंटरनल तौर पर जुड़ा होता है, ये गेट की जो हमारी है पिन नंबर जो है 10 है, ये ग्राउंड की पिन है, इस आईसी को ऑपरेट करवाने के लिए यानी इस गेट को ऑपरेट करवाने के लिए पिन नंबर 10 का प्रयोग किया जाता है। और जो पिन नंबर 11 है ये LVG यानी LVG का मतलब क्या है, इसका बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे गेट के आउटपुट पिन है, जो कि इंटरनल तौर पे जो मॉस्फेट लगे हैं उसके गेट पे सप्लाई दी जाती है। तो ये इस गेट को ऑन के लिए यूज़ की जाती है, इसके अंदर LVGA और पिन नंबर 15 HVGA, ये दो हमारे आउटपुट पिन होती है जो कि मॉस्फेट को स्विचिंग के लिए काम करती है। तो LVGA का मतलब होता है लो साइड गेट ड्राइवर आउटपुट, लो साइड गेट ड्राइवर आउटपुट यानी लो वोल्ट गेट आउटपुट भी बोल सकते हैं, या लो साइड गेट ड्राइवर आउटपुट आईसी जो पिन है LVGA। और ये जो वोल्टेज है इस गेट को ऑपरेट यानी इस मॉस्फेट को ऑपरेट करवाने के लिए यूज की जाती है, जैसे इस पे हाई सिग्नल मिलेगा या ऑन होगा, ऑन होके जो सोर्स टू ड्रेन है ये नेगेटिव आउटपुट करेगा और यहाँ से ये पॉजिटिव करेगा, जब ये ऑन और ऑफ यानी पॉजिटिव नेगेटिव इस जगह पे करेगा तो पिन नंबर 4 से हमारा आउटपुट जनरेट होगा यानी हाई के लिए, ये फिर कैसे जनरेट होगी, जो कि पिन नंबर 14 से आउट होगी, इन दोनों की पिन नंबर LVGA ये आपको मैंने बता दी है, सॉरी जो पिन नंबर LVGA है लो साइड गेट है, यानी ये लो सिग्नल के लिए आउटपुट देता है, ये हाई सिग्नल के, ये हाई वोल्ट गेट यानी हाई वोल्ट के लिए आउटपुट देता है पिन नंबर 11। और पिन नंबर 12 VCC की पिन है, मैंने आपको बता दी ये VCC है जो कि सप्लाई दी जाती है। और पिन नंबर 11, 12 और पिन नंबर जो हमारे 13 है उसके अंदर यूज़ नहीं होती इस सर्किट के अंदर, वो NC पिन होती है जो मैंने पहले करवा दी है। और पिन नंबर 14 जो आउटपुट की है, ये दोनों गेट की जो स्विचिंग होती है उनकी आउटपुट पिन है,
पिन नंबर 14 हाई वोल्ट यहाँ से आउटपुट होते हैं जो ट्रांसफार्मर को आप दे सकते हैं जो, ठीक है जी। और पिन नंबर 15 जो मैंने आपको बता दिया, पिन नंबर जो 15 है हमारी, जो हाई साइड फ्लोटिंग गेट ड्राइवर आउटपुट पिन होती है, ये पिन नंबर 15 जो है, तो जो 15 नंबर इसके अंदर ऊपर भी ये सिस्टम के, इसके ऊपर हाई वोल्ट कहाँ से दिए जाते हैं, HV यानी हाई वोल्ट दिए जाते हैं, और उसके बाद ही ये MOSFET काम करके स्विचिंग जनरेट करता है जिससे पिन नंबर 14 से आउटपुट लिया जाता है। और पिन नंबर 16 जो है वी बूट की पिन है। वी बूट का मतलब क्या होता है, किस तरह काम करता है, तो वी बूट का हाई साइड गेट ड्राइवर फ्लोटिंग सप्लाई जो होती है हमारी, फ्लोटिंग सप्लाई मीन जो सप्लाई अप डाउन होती रहती है, उसे फ्लोटिंग सप्लाई बोलते हैं हम। तो वो जो सप्लाई है उसके ऊपर अगर उसके अंदर कोई भी मान कर चलो कोई दिक्कत आ जाए या ओवर वोल्ट आ जाए इसके अंदर, जैसे ये गेट हमारा आउटपुट दे रहा है, ये हमारी पिन नंबर आउटपुट दे रही है, इसके अंदर कोई भी दिक्कत आ जाए तो ओवर वोल्ट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाती है या वोल्ट की कंजप्शन बढ़ जाती है, तो उसके लिए ये वी पिन, पिन नंबर 16 वी बूट की पिन प्रयोग की जाती है। तो वी पिन के लिए कौन कौन सा सिस्टम जुड़े होता है वी पिन के साथ, वही मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके साथ जो है पिन नंबर 12 और 16 डायरेक्टली जुड़ी होती है, वो भी एक इंटरनल जो ऑटो कपलर होता है उसके साथ इसको जोड़ा जाता है। और यही सिस्टम जो है हमारा यूवी जो होता है उसके साथ जोड़ा जाता है, और प्लस HVGA जो ड्राइवर होता है उसके साथ इंटरनल ये काम करता है। अब जब इसके ऊपर वी बूट के ऊपर सिग्नल दिए जाएगा, यूवी सिस्टम काम करता है, यानी जो हमारे हाई साइड गेट ड्राइवर फ्लोटिंग सप्लाई वोल्टेज होते हैं वही वापस इसके ऊपर दिए जाते हैं जो कि ड्राइवर लॉजिक है। जब ड्राइवर लॉजिक को ओके का सिग्नल मिल जाता है, जैसे ये आउटपुट मिलेगा तो ये हाई वोल्ट जो कैपेसिटर के द्वारा पिन नंबर 16 पे दिए जाएंगे। अब जैसे ये आउटपुट रहता ओके रहता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी टाइमिंग सही है, फ्रिक्वेंसी सही है, वोल्ट सही है, एम्पेयर सही है, आउटपुट देता रहेगा, तब तक ये ओके काम करता रहेगा ड्राइवर के माध्यम से। जैसे ही कोई दिक्कत आएगी ये सिग्नल सिस्टम डिटेक्ट करके ड्राइवर लॉजिक को दिया जाएगा। ड्राइविंग लॉजिक जो है शिफ्टिंग जो हमारा लेवल सेंसर बना होता है उसके अंदर इंटरनल करेगा, वही फिर वापस जाके HVGA ड्राइवर को कंट्रोल करेगा। कंट्रोल करने के बाद फिर ही वापस से ये वोल्ट नॉर्मल कर देगा, यानी वोल्टेज को कम या ज़्यादा होने की दिक्कत नहीं है, वो एक सार फ्रिक्वेंसी जनरेट करता रहेगा जब तक वी बूट का प्रयोग करेंगे। जैसे ही वी बूट पे ये PF कैपेसिटर आप खराब हो जाएगा ना, तो आउटपुट आपके अंदर फ्लोटिंग जो आउटपुट के अंदर जो भी चीज़ लगाओगे आप वो डायरेक्टली ब्लास्ट होते रहेगी, या करंट उसका कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा या ओवर हीट हो जाएगा या बर्न होता रहेगा बार बार। तो आपने इस कैपेसिटर का बिल्कुल ध्यान रखना है जी। सी बूट जिसे बोलते हैं, ये कैपेसिटर बूटिंग होता है, जैसे ये चार्ज और होता रहेगा, लो मिलेगा तो डिस्चार्ज होगा, हाई मिलेगा चार्ज होगा, चार्ज डिस्चार्ज ये बार बार मिलता रहेगा। अगर ये PF कैपेसिटर खराब हो जाता है तो यहाँ पे जो हाई या लो वोल्ट का फ्लोटिंग सिग्नल इसको नहीं मिलेगा, जिससे ये ड्राइवर आपका आउटपुट देना बंद कर देगा, पिन नंबर 14 से आपका आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इस तरह आप ये IC का यूज़ कर सकते हैं। प्लस इस IC को चेक करने के लिए पिन नंबर ग्राउंड, पिन नंबर 10 और पिन नंबर 12 के ऊपर मल्टीमीटर के आप प्रोब रखोगे, जो VCC है उस पर माइनस प्रोब और जो GND है उस पर प्लस रेड प्रोब, तो आपकी वैल्यू लगभग 550 के करीब करीब आनी चाहिए। अगर आ रही है तो आपकी ये IC ओके है। और उसके बाद ये चेक होने के बाद मेनली चेक करना होता है, ये तो है इंटरनल, ये जो दो पिन होगी इसके साथ आपका लॉजिक कंट्रोलर और ड्राइवर लॉजिक दोनों चेक हो जाएंगे, मीन्स ये ओके हैं। और उसके बाद पिन नंबर जो हमारी है 11 और पिन नंबर 15 इसको भी चेक करना जरूरी है। चेक करने के लिए जो आउटपुट पिन है पिन नंबर 14, ये पिन नंबर 14 जो है हमारी, पिन नंबर 14 और 15 के अंदर आपने मल्टीमीटर लगाना, 61 वैल्यू आनी चाहिए, और पिन नंबर है उसके बाद 14 से पिन नंबर 11, और उसके बाद GND के साथ भी चेक करना अगर शॉर्टिंग के लिए, पिन नंबर 10 और 11 और पिन नंबर 10 और 15 के अंदर मल्टीमीटर आप चेक करिए, 61 वैल्यू आनी चाहिए, फिर आपका सिस्टम ओके है। अदरवाइज ये IC खराब है, किसी के ऊपर वैल्यू कम हो जाएगी तो इनमें से एक MOSFET खराब है इंटरनल जो है, तो ये IC आउटपुट आपका नहीं देगी। तो इस तरह ये आप एक IC यूज़ कर सके। कॉम्प्लिकेटेड IC है थोड़ी सी ये, पर इसकी सेफ्टी सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हर एक पिन का अपना अपना काम है, किस सेक्शन को कैसे कंट्रोल कराना है, ये आपको वोल्ट पता होने चाहिए। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता कर देता हूँ, वोल्ट
पिन नंबर जो एक है इस पर 0.8 वोल्ट होनी चाहिए, पिन नंबर दो जो है हमारी इसके ऊपर 1.5 वोल्ट के करीब होना चाहिए, 2 वोल्ट हो जाएंगे तो ये आउटपुट बंद कर देगा, और पिन नंबर जो हमारी 3 है जो CF की पिन है इस पर 1.75 वोल्ट होना चाहिए। अगर ये कैपेसिटर ख़राब हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, जो वोल्ट जीरो हो जाएंगे तो आउटपुट नहीं चलेगा आपका। तो आपने जो जो पिन नंबर 3 पे कैपेसिटर लगे हैं, ये इसका टाइमिंग सिस्टम है, यानी चार्जिंग डिस्चार्जिंग सिस्टम बना होता है, ये आपने हमेशा PF कैपेसिटर का हर एक पिन पे ध्यान रखना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगा, इसी काम नहीं कर रही है, तो सबसे पहले जो इनके PF कैपेसिटर लगे होते हैं वो सभी चेक करने हैं, और जो इनके साथ रजिस्टर लगी होती है ग्राउंड के लिए, हर एक के साथ लगी होगी ये टाइमिंग सिस्टम के लिए, तो ये हर एक के साथ रजिस्टर आपने चेक करनी है, वैल्यू सही है, ओके है, तो ये आपके ऐसी ओके हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसके अंदर लंबा चौड़ा फॉल्ट नहीं आता। और पिन नंबर जो 4 जो RF मिनी की पिन हो जाए जो टाइमिंग को सेट करती है, उसके साथ भी एक रजिस्टर ग्राउंड की जाती है। और पिन नंबर जो 5 है स्टैंड बाई की पिन है, 1.5 वोल्ट होना चाहिए, 1.2.4 डेढ़ वोल्ट होना चाहिए आपके इस IC पर, अगर इससे ज़्यादा वोल्ट है तो ये आपका आउटपुट काम नहीं करेगा, ये बंद रहेगा, ठीक है। ये आपको वोल्टेज ध्यान रखना पड़ेगा, इसके ऊपर वोल्ट आएंगे 1.24 वोल्ट से नीचे होने चाहिए, यहाँ उतने ही होने चाहिए, उससे ऊपर होंगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा आपका। तो आपको इस सेक्शन को जो इनपुट सेक्शन है इसको चेक करना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है। और जो पिन नंबर 6 है इसकी, पिन नंबर 6 इसकी ये है, ये आई सेंस की पिन है, इसके ऊपर 0.8 वोल्ट होनी चाहिए, अगर इससे ज़्यादा वोल्ट है तो भी ये सिस्टम आपका ऑफ रहेगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर किसी कारण 0.8 वोल्ट से ज़्यादा है पिन नंबर 6 के ऊपर तो IC आपकी बंद रहेगी, काम नहीं करेगी, तो 0.8 वोल्ट से कम वोल्ट होने चाहिए तभी ये IC आपकी ऑपरेट होगी। और पिन नंबर जो 7 है हमारी, पिन नंबर 7 ये लाइन सेंस की पिन है, इसके ऊपर 1.2 वोल्ट होने चाहिए, अगर इससे 2.24 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट होंगे तो IC ये काम नहीं करेगी, लाइन ओके का मैसेज नहीं आएगा, तो आउटपुट आपका स्टार्ट नहीं होगा। और पिन नंबर ये 7, पिन नंबर जो 8 है हमारी, पिन नंबर जो 8 है डिस्चार्जिंग की पिन है, इसके ऊपर 1.85 वोल्ट होनी चाहिए, 1.85 वोल्ट होनी चाहिए इस पिन के ऊपर, अगर इस पिन से वोल्ट ज़्यादा है इसके ऊपर तभी ये आपका सिस्टम काम नहीं करेगा, तभी ये बंद रहेगा। तो अगर 8.5 वोल्ट या 2 वोल्ट या 2.5 वोल्ट आ रहे हैं तो वो किस कारण आ रहे हैं वो आपको चेक करना पड़ेगा। ये डिस्चार्जिंग की पिन है, इसकी पिन नंबर जो है 1.85 जो है, ठीक है, सॉरी 8 नंबर पिन है, इसके ऊपर 1.85 वोल्ट होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होंगे तो ये काम नहीं करेगी। पिन नंबर 9 है, ये स्टॉप की पिन होती है, 0.3 वोल्ट रहते हैं, अगर इससे ये तब तक वोल्ट रहेंगे 0. तब जब तक आपका आई सेंस पिन यानी इसके ऊपर वोल्ट ओके है, और डिस्चार्जिंग पिन जो हमारी इसके ऊपर वोल्ट ओके है, और पिन नंबर स्टैंड बाई पिन है, पिन नंबर 5 इसके ऊपर वोल्ट, जब ये तीनों पिन के वोल्ट ओके होंगे तभी ये हमारा ये वोल्ट कम रहेगा, अगर इससे ज़्यादा वोल्ट हो जाएंगे तो ये आउटपुट देना बंद कर देगा सिस्टम, ये पूरा डिस्चार्ज कर देगा। और पिन नंबर 9, पिन नंबर 10 है जो ग्राउंड ही होती है, पिन नंबर 11 एल जो गेट की आउटपुट पिन है, और ये गेट की आउटपुट है ना कि IC की आउटपुट है, ये गेट की आउटपुट है। पिन नंबर 14 आउटपुट की पिन है, पिन नंबर 15 जो ये भी गेट की आउटपुट है, पिन नंबर 16 वी बूट की पिन है, ये इस कैपेसिटर के साथ काम करती है, जैसे कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज होता रहेगा तो लॉजिक ड्राइवर ओके चलता रहेगा, और उसके बाद ये HVJ ड्राइवर इसको ओके सिग्नल देता रहेगा, ये फ्रिक्वेंसी जनरेट करता रहेगा। यदि ये PF कैपेसिटर आपका शॉर्ट हो जाता है या ख़राब हो जाता है तो आपका आउटपुट मिलना बंद हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ये थी आज की हमारी IC जिसका नाम है L6599ADIC, जो कि एक पावर सेक्शन के अंदर यूज़ की जाती है, ठीक है, सबसे सेफ IC है ये, और ये आपके पूरे सिस्टम को बचा के रखती है। ये मोस्टली जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसके अंदर, या बड़ी जो कॉस्टली सप्लाई होती है चार्जर सेक्शन, जो लिथियम चार्जर बना रहे हैं उसके अंदर ये IC का प्रयोग कर सकते हैं आप, उसके अंदर यूज़ होगी। और ये थी आज की हमारी IC, अगर इसके बारे में और भी आपको डिटेल चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद जी। तो ये वीडियो जो हमारी बनाई गई, एक हमारे भाई का कमेंट आया था कि सर आप L6599ADIC के ऊपर वीडियो बना के दीजिए, कुछ थोड़ा सा उसको समझाइए किस तरह काम करते हो, ये मैंने उसके लिए उनके लिए कि ये वीडियो बनाई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद जी।